खवाजा जहांजेब साहब से जानते हैं कि वो अपनी कंपनी को जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गो के इनकी कंपनी को 45 माशाल्लाह ईयर्स हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि जेब ट्रैवल्स के बारे में ख्वाजा जहांजेब साहब की क्या राय है और वो उन्होंने कितनी स्ट्रगल से पाकिस्तान इनबाउंड को प्रमोट किया। पाकिस्तान जैसे कि हम सबको मालूम है और फॉरेन कंट्रीज़ को लोगों को भी हम बताने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको हर नेमत से नवाजा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हमारे चार ऑफिसेज हैं, कराची हमारा हेड ऑफिस है, फिर हमारा ऑफिस एक लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में, और एक ऑफिस हमारा करीमाबाद जो कि हुंजा का कैपिटल है गिलगित बल्तिस्तान में भी है। पाकिस्तान के इनकमिंग हम लोग डोमेस्टिक तो हम लार्जेस्ट टूर ऑपरेटर हैं पाकिस्तान के, मगर हमारे इनकमिंग फॉरेन कंट्रीज से भी बेशुमार फॉरनर्स आते हैं। इसके अंदर हम बुद्धिस्ट के जो पिलग्रिम्स हैं उनको भी हम लेके आते हैं, फिर हमारा सिख यात्रियों का भी बहुत बड़ा काम है। सिख यात्री हमारे सारे दुनिया से आते हैं, इवन के ऑस्ट्रेलिया, USA, कैनेडा, और लास्ट ईयर हमारा एक ग्रुप फूजी से भी आया था। हमारे पास ट्रैकिंग के भी अरेंजमेंट्स हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ की खूबसूरत वादियों में लोग जाना चाहते हैं विद इन अ पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर जो फॉरनर्स भी आते हैं। ये टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो दिन ब दिन इतनी बढ़नी चली गई है। जब हम डोमेस्टिक टूरिस्ट का जिक्र करते हैं तो हम उन लोगों को भी नहीं भूलते जिनकी तादाद 9 मिलियन है, वो पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं। पिछले 3 सालों से हमने ये भी महसूस किया है कि पाकिस्तानी बाहर से आना एक बहुत बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी दुनिया के हर कोने में जो रहते हैं, वो लॉस एंजलिस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो फार ईस्ट हो, पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उन्होंने भी बड़ी तादाद में आना शुरू किया है, और सब लोग जो है नॉर्दर्न एरिया को एक अपना खूबसूरत डेस्टिनेशन समझते हैं। सर, चूँकि आज PTM का लास्ट है और इसके बारे में आपकी क्या राय है और आप PTM को नेक्स्ट ईयर में कैसे देखते हैं? PTM जैसे कि मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि ये एक बहुत अच्छी कोशिश है और बड़ी मेहनत से की गई है, और बहुत जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रगल और मेहनत की है इसको कामयाब बनाने के लिए। मैं फॉरनर से भी मिला हूँ, पाकिस्तानियों से भी मिला हूँ, जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है कि बहुत अच्छी कोशिश है, और कई लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर हम आएंगे, बल्कि हमारे जो दूसरे और टूर ऑपरेटर हैं उनको भी साथ लेके आएंगे। तो आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स बाई द पाकिस्तान ट्रैवल ट्रेड पीपल हु ऑर्गेनाइज इन अ वेरी नाइस एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।